स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते? ए जापान, बी यूएसए, सी चीन, डी फ्रांस। आंसर बी यूएसए। एक्सप्लेनेशन, फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक खेलों के 33वें संस्करण का आयोजन किया गया। ये खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर के 10,000 से अधिक एथलीट 32 खेलों में प्रतिस्पर्धा की। यूएसए पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य पदक के साथ मेडल टेबल में पहले स्थान पर रहा, वहीं चीन 91 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? ए 70वें, बी 71वें, सी 72वें, डी 73वें। आंसर बी 71वें। एक्सप्लेनेशन, ओलंपिक खेलों के 33वें संस्करण का समापन फ्रांस की राजधानी पेरिस में हो गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ कुल 6 मेडल जीते। भारत में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए जैवलिन थ्रो में एकमात्र रजत पदक जीता, वहीं मनु भाकर ने निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक जीते। भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 10 अगस्त, बी 11 अगस्त, सी 12 अगस्त, डी 13 अगस्त। आंसर सी 12 अगस्त। एक्सप्लेनेशन, दुनिया भर में हाथियों के संरक्षण में आने वाली चुनौतियों और उनकी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। हाथियों को पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। इस दिवस का आयोजन साल 2012 से किया जा रहा है। अगला प्रश्न। विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 10 अगस्त, बी 11 अगस्त, सी 12 अगस्त, डी 13 अगस्त। आंसर ए 10 अगस्त। एक्सप्लेनेशन, शेर संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। ये दिन पहली बार 2013 में मनाया गया था, जिसकी शुरुआत संरक्षणवादी डेरेक और बेवली जॉबर्ट ने नेशनल ज्योग्राफिक की बिग कैप पहल के साथ की थी। अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी। आंसर डी। एक्सप्लेनेशन, हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के तहत उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारियों सहित सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति को सटीक रूप से ट्रैक करना है।